बीकानेर में 2,74,500 रुपये के नकली नोट पकड़े गए हैं। इनमें से 60 लाख रुपये कोलकाता भेजने की तैयारी थी। पिछले 1.5 साल में यह गिरोह करीब 2 करोड़ रुपये हवाला कारोबारियों के जरिए देश भर में चला चुका है। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। गिरोह के 9 सदस्य अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रेंज के IG ओम प्रकाश ने बताया कि राजस्थान में नकली नोटों को लेकर अब तक यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 500-2000 के 14 सीरीज में नोट बरामद हुए हैं। मामले की विस्तृत जांच के लिए 5 टीम बनाई है। इसकी सूचना RBI के रीजनल डायरेक्टर, इनकम टैक्स के असिस्टेंट डायरेक्टर मनोज मीणा, SOG समेत बीकानेर के समस्त बैंक अधिकारियों को भी दी गई है। इस मामले में रविकांत जाखड़, नरेंद्र शर्मा, मालचंद शर्मा, पूनम चंद शर्मा, राकेश शर्मा, चंपालाल शर्मा उर्फ नवीन को गिरफ्तार किया है। इनके साथ ही दीपक रेगर, केसरा राम और एक अन्य को हरियाणा के करनाल से डिटेन किया है। तीनों ने नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की थी। आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में गजेंद्र प्रसाद भांबू, भीख सिंह राजपुरोहित सहित कुछ और नाम भी सामने आए हैं। गिरोह के लोगों का देश और विदेश में हवाला कारोबारियों से संबंध का पता लगाया जा रहा है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।